छोटे छोटे से वाटरफॉल एक्टिव हो गया है। सही Oh my God. मैं गाड़ी का विंडो ग्लास नहीं खोल पा रहा हूँ, इतना ज्यादा पानी आ रहा है। Oh my God! Look at that waterfall. Oh, तेरी! उस जगह को देखो यार, केंद्रीय वाटरफॉल मिलने से ठीक 1 किलोमीटर पहले ये एक पुल आएगा, ठीक है ना? यहाँ से सोबर जो है ना, सोबर टाउन स्टार्ट होता है। एंड लुक एट दैट प्लेस, अमेजिंग। वहाँ पर जाने का कोई रास्ता है, अभी उसको ढूंढेंगे कहाँ कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन केंद्रीय आने से पहले आप ऊपर ध्यान देना, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। अमेजिंग प्लेस यार, अमेजिंग प्लेस। लेकिन ये सब नज़ारे आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलेंगी। ये है बांग्लादेश, ठीक ना? तो सब क्लाउड में डूब चुका, आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी भैया वहाँ कितना सारा घर है, चारों तरफ पानी भर गया है। आधा डूबा, आधा नहीं पूरा ही डूब गया। लुक एट दैट थिंग, कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, देखो। इधर एक वाटरफॉल, इधर एक वाटरफॉल, एंड द बिगेस्ट वन इज अप डाउन देयर। ऐसा लैंडस्लाइड हुआ यार, इतना भयंकर लेवल का पानी आने से तो लैंडस्लाइड होना ही है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, रोड साइड में न्यूमरस छोटे छोटे से वाटरफॉल एक्टिव हो गया है। सही, अमेजिंग। यस मैम, मैं गाड़ी का विंडो ग्लास नहीं खोल पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। सही, कैसा पानी आ रहा है, लुक एट दिस वाटरफॉल, ओह माय गॉड, वाओ, इट्स अ ह्यूज फॉल। सही, कैसे पानी जा रहा है, एंड आई एम लिटरली नॉट बीइंग एबल टू यू नो ओपन माय विंडो ग्लास। ओ भाई साहब, ये जगह ऐसी है ना, अगर बारिश ना भी हो ना उसे छाता पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना हवा दे रहा है इधर। और यहाँ से नीचे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नीचे जाने का मेरा तो हिम्मत है ही नहीं, ऐसा हवा आ रहा है, ये छाता पूरा नहीं जाना है। ओह
या फिर ये जो है ना ऐसे लोकल में निकलें छाता आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको रेंट पर लेके पहन के आप फोटो सेशन वगैरह कर सकते हैं। एंड दिस वाटरफॉल इज जाइगेंटिक, रियली, ओह माय गॉड। एंड मैं सुना हूँ कि इट्स वेरी विंडी एंड आई हर्ड के ये वाटरफॉल कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि ये जो है ना दिस इट कवर्स ऑल दिस ब्रिज, ब्रिज को भी कवर कर लेता है। छाता उल्टा हो गया, देखो छाता उल्टा हो गया। अमेजिंग। अब इधर से थोड़ा देखते हैं इसका। सो रिमेंबर गाइस, कैंडिंग वाटरफॉल इज जस्ट ओनली 23 किलोमीटर फ्रॉम द सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो आप कभी भी सेवन सिस्टर वाटरफॉल आए तो कैंडिंग वाटरफॉल जरूर आइए। बट रिमेंबर, इस फॉल का असली मजा रेनी सीजन में ही है। आप दूसरा किसी सीजन में आएंगे तो इतना बड़ा वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। एंड मे भी हो सकता है कि आपको एकदम भी पानी देखने को ना मिले, क्योंकि विंटर्स में तो ये फॉल एकदम ही सूख जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई वाटरफॉल है भी या हो भी सकता है। तो वहाँ पर मेरी सफ़ेद घोड़ा पार्क किया हुआ है एंड आई एम पूरा बीत चुका हूँ। एकदम लिटरली पूरा 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 बीत चुका हूँ। एंड होल्डिंग एन अम्ब्रेला एट दिस वाटरफॉल इज इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो मुझे अभी ये फेस चेंज करना पड़ेगा, मैं पूरा बीत चुका हूँ। तो ठंडा लग जाएगा कि अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, अभी 18 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इट्स वेरी कोल्ड आउट हियर। तो काफ़ी ज़्यादा पूरा ठंडा लग जाएगा। यहाँ से गुवाहाटी के ड्राइव के करीबन 5.5 घंटे की, सो इट विल टेक सम टाइम। तो सोहरा या चेरापुंजी बोल लीजिए, यहाँ पर हम लोग आज रुकने नहीं वाले हैं। हेडिंग बैक टू गुवाहाटी एज यूजुअल, जैसे मैं करता हूँ, बिकॉज सामने ही है, काम वगैरह भी रहता है। सो यूजली मैं मेघालय का डे ट्रिप ही लगाता हूँ, डिमांड्स इससे नाइट ऑफ टू या मैं फैमिली वैकेशन में आता हूँ तो रुकता हूँ, अदरवाइज मैं जनरली डे ट्रिप में ही आता हूँ। तो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। पहले मैं गया था हॉन्गकॉन्ग विलेज, जो विसलिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग दिस जाइगेंटिक ब्राइटनिंग। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, लुकिंग एट दिस, रियली मैं आपका हार्ट बीट बढ़ा देगा, ऐसे एक्सपीरियंस है। वाओ। एंड मैं सामने जाकर ज़्यादा देर रुक नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो छाता है ना वो छाता उड़ जा रहा है। एनीवे, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस एंड इट्स रेनिंग, स्टार्टेड टू रेनिंग हैवी। एंड अभी निकल चलेंगे, देखते हैं कहाँ जा सकता हूँ और कहीं जा सकता हूँ तो जाऊँगा, अदरवाइज नहीं तो बहुत ज़्यादा वेदर फॉगी है एंड इट्स रेनिंग हैवीली, विल हेड बैक टू गोवा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर में, नए वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए कितना मुश्किलें उठानी पड़ती है, सो अ लिटिल support from your end will be much appreciated, much 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 appreciated. So thank you very much, thanks for watching. This is your host Abhijit and you are watching Life for Me, another episode of Unseen Meghalaya. Bye for now.